हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम 11th और 12th का एक कंबाइंड टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पीएच कैलकुलेशन। और पीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे एकदम सिंपल तरीके से आज आप सिखाते हैं। सबसे पहले पीएच होता क्या है, तो पीएच में अगर हम बात करें, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन आर एच प्लस आयन कंसनट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। अब यहाँ पे निगेटिव लॉगरिथम के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है, कंसनट्रेशन एच प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का। तो अगर हम यहाँ पे पीएच की बात करें, पीएच में यहाँ पे पहले समझें, अगर हम बात करें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम आयन। पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम आयन फार्मूला होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं पी एच इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 अपॉन एच प्लस आयन। मैथमेटिकली ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एच प्लस आयन गिवेन होगा, तो आप क्या करेंगे, पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि हमें यहाँ पे लॉग की वैल्यू दे रहा है, तो पहले हमें लॉग पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लॉग और वैल्यू लिख देते हैं जो आपका यूज होगा बार बार। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 10 तक अगर क्लियर होगा लॉग की वैल्यू, तो आगे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें लॉग 1, वैल्यू 0 होगी, 2 होगा 0.30, 30.47, 40.60, 50.69, और यहाँ पे अगर 7 ले लिया, 6, 0.77, 70.84, 80.90, 90.95 और 10। 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर हम इतनी वैल्यू को अगर हम याद रखेंगे, तो आपको लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने से ही अभी आपका, हम चाहे जितना लॉग आएगा हम सब एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, पीएच। अब इसको समझाते हैं कि यहाँ पे इसका यूज, इस फार्मूले का कैसे करना है। तो यहाँ पे दो टर्म आएगा, या तो एसिड या तो बेस। हमने यहाँ पे बोला या तो एसिड टर्म आएगा या तो बेस, एसिड और बेस दो को समझना है। तो अगर हम एसिड की बात करेंगे, तो एसिड होंगे तो डिसोसिएशन पे एच प्लस आयन लिबरेट करेंगे, और ओ एच आयन अगर देगा तो क्या कहलाएगा, बेस। तो यहाँ पे अगर एसिड दिया है, जैसे हमने दिया एच सी एल, तो एच सी एल एच प्लस सी एल माइनस में डिसोसिएट होगा, तो एच प्लस आयन लिबरेट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे अब हमें एच प्लस आयन गिवेन है, एच प्लस आयन गिवेन है। अगर एच प्लस आयन गिवेन है तो हमें क्या करना है, पीएच फाइंड करना है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, बात एक ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बेस दिया गया, जैसे एन ए ओ एच, तो एन ए प्लस ओ एच माइनस में हम दिए गए कंपाउंड से पहचानेंगे कि एच आयन लिबरेट कर रहा कि ओ एच आयन, तो बेस हो गया। तो पहला स्टेप होता हमारा पी ओ एच निकालेंगे, तो पी ओ एच माइनस लॉग बेस 10 ओ एच आयन। पी ओ एच निकालने के बाद हम फिर कैलकुलेट करेंगे पी एच, तो पी एच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस पी ओ एच, 14 माइनस पी ओ एच। अब यहाँ पर हमने पूरा फार्मूला लिखा पी एच और पी ओ एच कैसे फाइंड करना है। तो फाइनली हमें पी एच पूछेगा, तो हमें पहले पी ओ एच निकालने के बाद 14 में से पी ओ एच को माइनस कर देंगे, तो हमारा पी एच वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। पहले यहाँ पे
जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे दे दिया पहला 0.002 मोलर HCl। अब हमने कहा कि इसका pH वैल्यू बताएं, क्या बताएं pH क्या होगा। अब समझे pH पूछ रहा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिया है कंसंट्रेशन किसका दिया है, एसिड का दिया है, तो एसिड है हमारा HCl, तो HCl किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पर जो H प्लस आयन गिवेन है क्वेश्चन में वो है 0.002 मोलर, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मोलर, 2 × 10⁻³ मोलर, ये आ गया हमारा H प्लस आयन। अब यहाँ पे इस H प्लस आयन को जब फार्मूले पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हमारा H प्लस आयन किस टर्म में दिया है, तो यहाँ पे दो केस आता है, मतलब केस फर्स्ट, यहाँ पर अगर कह दिया कि इफ़ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻¹ के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे pH निकालेंगे तो pH इज इक्वल टू -log10 H प्लस आयन, तो -log10 10⁻¹, तो ए आ जाएगा ए log10 इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे। या तो पहला केस होगा या सेकंड केस, सेकंड केस हमें कह सकते हैं केस सेकंड, अगर हमने दे दिया कि इफ H प्लस आयन इज इक्वल टू ए इंटू 10⁻¹ के फॉर्म में, तो pH निकालना है तो -log10 ए इंटू 10⁻¹ इधर आ जाएगा, तो b − log10 ए, ये हमारा क्या आ जाएगा pH। दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो इस पे अप्लाई करना या तो इस पर। अब जो क्वेश्चन दिया है इस सेकंड केस के बेसिस पे है, तो हमें इस तरह फाइंड करना है, तब कैसे करना है देखें। यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे H प्लस आयन दिया है, हमें क्या निकालना pH, तो pH इज इक्वल टू -log10 H प्लस आयन, तो यहाँ पे आ जाएगा -log10 2 × 10⁻³, यह आ जाएगा 3 − log10 2, तो 3 log 2 की वैल्यू होता है 0.30, तो 2.7 ए आपका pH आ गया। अब ये सेकंड एग्जांपल देते हैं एक बेस का, तो इस बेस में जैसे हमने यहाँ पे दिया, ये तो आपका एसिड था, तो एसिड का आपने H प्लस आयन से पहचाना कि एसिड था, तो हमने उसका डायरेक्ट pH फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे बेस हमने दिया, तो बेस में जैसे एग्जांपल दिया 0.003 मोलर NaOH, तो इसका pH बताना है। जब pH कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ये हमारा NaOH क्या है, बेस है, तो Na प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा, तो OH माइनस आयन ये हमारा क्या आ जाएगा 0.003, या इसी को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴ मोलर के सेकेंड। तो यहाँ पे पहला स्टेप होगा POH निकालेंगे, तो POH इज इक्वल टू −log10 OH आयन, तो −log10 3 × 10⁻⁴, तो 4 − log10 3, तो log 3 की वैल्यू होता है 0.47, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3.53 ये आ जाएगा POH। अब हमें क्या फाइंड करना है pH, अब pH निकालना है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 के इक्विवेलेंट होता है, तो pH कितना आ जाएगा 14 − POH। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 14 − 3.53,
तुम्हारा पीएच वैल्यू आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि अगर एसिड है तो उसका पीएच 7 से कम होगा और बेस है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा। ये तो हुआ कुछ सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल और लिया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर 0.004 मोलर H2SO4। अब इसका पीएच बताना है। अब यहाँ पर चीज़ समझें, अगर हम H2SO4 को डिसोसिएट करेंगे तो 2H+ प्लस SO4-2 में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर जो H+ आयन वैल्यू दिया है 0.004 है, या लिख सकते हैं 4×10⁻³ मोलर। एक 1H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ कितना है, 2 है, तो इस 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8×10⁻³ मोलर। अब यहाँ पे इसको हम वैल्यू रख देंगे तो पीएच इज इक्वल टू -log(H+ion) - log(H+ 10 8×10⁻³, तो 3 - log(H+ 8, तो 3 और log 8 की वैल्यू होता है 0.90। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हमारा पीएच वैल्यू आ जाएगा, एकदम सिंपल। बस यहाँ देखिए कितना H+ आयन है उस कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही आपका बेस का आएगा और सिंपल वे में आप करते चले जाइए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको पीएच दे और H+ आयन पूछे, पीएच देकर H+ आयन पूछ लिया, तब यहाँ पे एंटी लॉग कैलकुलेशन आ जाएगा। हमने क्या कहा, इफ़ पीएच वैल्यू इज गिवेन एंड H+ आयन इज आस्क्ड, देन अगर पीएच दिया है और H+ आयन पूछेगा तब यहाँ पे एंटी लॉग टर्म यूज होने लगता है। जैसे आपने यहाँ पे कहा पीएच जो फार्मूला पढ़ा था -log(H+ 10)H+ आयन, क्लियर। तो अगर हमें H+ आयन यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं तो -log(H+ 10)H+ आयन इज इक्वल टू -pH हो जाएगा। अगर हम H+ आयन को फाइंड करना है तब यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, क्या आ जाएगा एंटी लॉग, और फार्मूला हो जाएगा -pH। अब यहाँ पे एंटी लॉग निकालना है, पीएच दिया है H+ आयन पूछ रहा तो एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, तब उसके लिए भी टेबल होता है, लेकिन अब आपको हम टेबल का यूज नहीं कराएंगे, उसी लॉग टेबल से ही आपको एंटी लॉग निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया एग्जांपल दे दिया पीएच इज इक्वल टू 5.4, तो H+ आयन फाइंड करिए, पीएच दिया है अब H+ आयन पूछ रहा है, तो यहाँ पे H+ आयन निकालना है तो पहले हम फार्मूले पे पुट कर देंगे एंटी लॉग -pH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंटी लॉग -pH वैल्यू कितना दिया 5.4 है, तो -5.4 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दें आप लोग कि यहाँ पे एंटी लॉग -5.4 आया तो H+ आयन कैसे निकालेंगे एंटी लॉग से, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल लगा है हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, जो पहले डेसिमल के पहले नंबर है 5 है, इधर कितना है 0.4, इसमें -1 और ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -6, और ये जो डेसिमल के बाद वैल्यू है इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 1-0.4 ये आ जाएगा 0.6। अब यहाँ पे इसको समझें, अब यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ 0.60 आ गया, तो अब हमें ध्यान देना है कि ये किस लॉग वैल्यू के बीच लाई करता है या किस लॉग की वैल्यू है, तो यहाँ पे 6 होता है ये 4 की वैल्यू, किसका होता है log 4 है, तो ये तो हमने इसे लिख दिया 4, और जो पहले पहलू आता है वो पावर में चला जाता है,
10 टू पावर माइनस 6 ये हमारा क्या आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और समझा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ तो एग्जैक्ट आ गया एकदम, लेकिन अगर हमने ऐसे दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए हमने दे दिया नेक्स्ट एग्जांपल pH इज इक्वल टू 6.3। अब यहाँ पे हमें H प्लस आयन फाइंड करना है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसको फार्मूले पे पुट करिए, आंसर आएगा H प्लस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस pH। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 6.3। तो सेम ब्रेक किया यहाँ पे माइनस 7 आया और यहाँ पे 0.7। अब हमें 0.7 किस लॉग की वैल्यू के बीच लाई कर रहा है ये ध्यान देना है। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉग 4 की वैल्यू 0.60 होता है और लॉग 5 की वैल्यू 0.69 होता है, तो मतलब लॉग 5 और लॉग 6 के बीच लाई कर रहा है और नज़दीक किसके लॉग 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। ये हमारा क्या आ गया एंटी लॉग कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ लॉग वैल्यू। जो भी आपने लॉग टेबल पढ़ा था उस लॉग टेबल से आप एंटी लॉग को भी कैलकुलेट कर लेंगे। बस एकदम सिंपल वे से आप फार्मूले पे पुट करते चले जाएं और आसानी से आपका pH लॉग एंटी लॉग सब कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा।